वेलकम बैक फ्रेंड, मैं अनंत श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था, 29 जून 2018 का जो एनसीटी का गाइडलाइन आया हुआ था, जिसमें बात कही गई हुई थी कि अब जो भी भर्ती होगी प्राथमिक में उसमें बीएड वालों को मौका दिया जाएगा, तो उसी के रिगार्डिंग में पहला ऐसा प्रदेश है जिन्होंने अपनी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा करवा रहा है उसमें बीएड वालों को मौका दिया हुआ है, वो कौन सा प्रदेश है, आज इस बात पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही उस स्टेट का मैं ऑफिशियल लेटर भी आप लोगों को दिखाऊंगा और आगे सीटेट में क्या पॉसिबिलिटीज़ है बीएड वालों के लिए, इस मैटर पर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको डेली मिलेंगे, साथ ही साथ ऑथेंटिक नोट्स और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूँ, पहले थोड़ी सी आपको बता दूं 29 जुलाई 2018 को एनसीटी ने क्या कहा हुआ था। तो 29 जुलाई 2018 को एनसीटी ने अपने गाइडलाइन में बात कही हुई थी कि अब जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए बीटीसी दो वर्षीय यानी दो वर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो डीएलएड हो या फिर बीटीसी हो, किए हों, वो एप्लीकेबल होंगे। और साथ ही साथ बीएड कैंडिडेट जिसका ग्रेजुएशन में 50% है और साथ ही साथ वो बीएड किए हों तो भी जो है अप्लीकेबल होंगे प्राथमिक शिक्षक में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो देखिए परसेंटेज वाली जो बाध्यता है अभी तो फिलहाल 50% ही है, बहुत हमारे यूट्यूब मेंबर के कमेंट आ रहे हैं कि जिसके 50% कम है ग्रेजुएशन में। देखिए आपकी फॉल्ट नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की फॉल्ट है, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें थी तो उन्हें पहले ही आपको बीएड नहीं कराना चाहिए। और आपका पीजी के रिगार्डिंग में उन्होंने बीएड करवाया, जो कि अगर पीजी में आपका 50+ है या 50% है, ग्रेजुएशन में नहीं है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, भले आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो नियम है, रूल है, जो गाइडलाइन अभी मैं उस पर बात कर रहा हूँ, तो एनसीटी ने कहा हुआ था कि जो ग्रेजुएशन के 50% मार्क्स हैं और बीएड किए हैं वो भी अप्लीकेबल होंगे। तो देखिए इसी के रिगार्डिंग में टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा यानी TRBT यानी त्रिपुरा स्टेट ने जो है जो TET अपने यहाँ करवा रही है वो 29 जून 2018 के रिगार्डिंग जो है NCT के लेटर के रिगार्डिंग जो है अब उन्होंने अपने यहाँ प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में बीएड को भी सम्मिलित कर लिया हुआ है और उनका ऑफिशियल लेटर ये है। और इसमें क्या कुछ कहा गया मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समरी में बताता हूँ। ये लेटर है 13 जुलाई 2018 का यानी 13 जुलाई 2018 का है और इसमें नोटिस में लिखा हुआ है त्रिपुरा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET 2018। इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर इन्फॉर्मिंग टू ऑल कंसर्न दैट द शेड्यूल ऑफ त्रिपुरा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड एज नोटिफाइड ऑन 8/6/2018 यानी 8 जून 2018 हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड एज अंडर यानी 8 जून 2018 को फिर से रीशेड्यूल्ड किया गया है इस फॉर्म को। और इसमें अप्लीकेशन करने के लिए ऑनलाइन स्टार्ट जो है डेट 17 जुलाई 2018 से 26 जुलाई 2018 तक है, यानी 17 जुलाई 2018 से ऑनलाइन अप्लीकेशन कर सकते हैं त्रिपुरा के जो रहने वाले हैं, लोकल के रहने वाले हैं। और 26 जुलाई लास्ट डेट है इसकी और पेमेंट की 31 जुलाई, ऐसे इसमें डेट दे रखा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ने वाली है मैं आपको थोड़ा सा समरी में पढ़ के बता देता हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि अब जब स्टेट किसी ने प्राथमिक में मौका दिया हुआ है तो ये 101% है कि सीटेट जब भी होगा, अभी तो 16 सितंबर को ये प्रस्तावित है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसको समरी में करके बताना चाह रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ इन परसुएंट टू NCT नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 यानी वही 28 जून 2018 को जो NCT का लेटर था, वेयर इन द फॉलोइंग एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेट पेपर फर्स्ट फॉर क्लास 1 टू 5 हैज़ बीन मेड कैंडिडेट हैविंग ग्रेजुएशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स। देखिए यहाँ पे 50% मार्क कही गई है बात, लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, परसेंटेज बाध्यता बिल्कुल हटेगी क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की फॉल्ट है, कैंडिडेट की फॉल्ट नहीं है। 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन और स्नातक में 50% हो और साथ ही साथ वो बीएड हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन हो, आर आल्सो एलिजिबल फॉर टेट पेपर फर्स्ट फॉर क्लास 1 टू 5 एज सच इंटेंडिंग एलिजिबल एप्लीकेंट्स एज पर न्यू क्राइटेरिया कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर त्रिपुरा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 पेपर फर्स्ट। यानी ऐसे कैंडिडेट जिनके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, साथ ही साथ बीएड किए हुए हैं, वो जो है पेपर फर्स्ट के लिए त्रिपुरा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो अप्लीकेबल होंगे। द डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन हैज़ बी एक्सटेंडेड फॉर बोथ द पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हुई है। और थोड़ा सा एक लाइन और मैं आपको बता दूँ, फर्दर द सेट नोटिफिकेशन अ कैंडिडेट हैविंग बीएड फ्रॉम एनी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर
अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लास 1 to 5 प्रोवाइडेड द पर्सन शो अपॉइंटेड एज अ टीचर सेल। इन्होंने ये बात कही हुई है, फिर मैं आपको थोड़ा समरी बता दूँ कि आपको अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको वही 6 मंथ का जो है आपको जो ब्रिज कोर्स करना था वो आपको करना रहेगा 2 साल के अंदर। तो ये सारी बातें हो गई। तो जब स्टेट ने मौका दिया हुआ है बीएड वालों को, तो अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जब सीटेट होगी तो उसमें 101% आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ थी। अभी तक ये थोड़ी संशय बनी हुई थी कि इस बार से पता नहीं सीटेट में मौका दिया जाए या ना दिया जाए, तो आपको मौका बिल्कुल दिया जाएगा। और अपने अकॉर्डिंग आप जो है सीटेट की तैयारी करिए। और इस चैनल पर आपको डेली इस टाइम प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं प्राथमिक और जूनियर दोनों टेट और सीटेट के लिए। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली जो है प्रैक्टिस सेट और जो अब जल्दी ही आपको ऑथेंटिक नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे जैसे ही ये आपका प्रैक्टिस सेट वाला सीरीज या सेशन खत्म होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।